तू बंद कहाँ है? दारू जब जेबी में छोड़ा के जाता है बेचने के लिए, क्या कहे? कहे से तो हम सुने कि हाँ हमको वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे, बाल बच्चा को, तुम तो बूढ़ा हो गया, देंगे हमको देने के लिए इसका उखाड़ के हम लोग फेंक दिए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। आप देख रहे हैं चुनावी हलचल। दोस्तों हम लोग चुनावी हलचल प्रोग्राम के तहत पहुंच चुके हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर प्रखंड में आज राजद के जनसंपर्क रैली था। यहां पर तेजस्वी जी आए थे और आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये उन्हीं के रैली में आए हुए पब्लिक हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि वो आए तो क्या बात हुई है, ये लोग किस उम्मीद से यहाँ पर आए थे, इन्हीं सब सारे टॉपिक पे मैं चलता हूँ। बस की तरह क्या लगा आपको उनके भाषण सुन के? बहुत अच्छा लगा और यही लगता है कि बिहार कोई बदल के रख देंगे, सरकार तो बदला ही गया। अब नीतीश कुमार गए और ये मुख्यमंत्री आए, नीतीश कुमार का विदाई हो गया। गाली देने वाला जी। आपको क्या, आपको क्या लगा कि उनका जो मैनिफेस्टो में है, उनका जो वायदा किया हुआ है, आज के भाषण में क्या हुआ, आप लोग से मतलब बात किए, क्या अलग जो मैनिफेस्टो में है उस सबको पूरा करेंगे। हमारा पूरा पूरा उम्मीद है जो जो उनका चुनावी घोषणा है सबको पूरा करेंगे, हम लोग विश्वास करते हैं। और जो भी नौजवान है आज तक बेरोजगार, सबको को रोजगार मिलेगा। चलिए, उम्मीद तो बस यही है सर कि गरीब लोगों को रोजगार मिले। हमारे तेज प्रताप जी मतलब तेजस्वी जी वादा किए हैं कि 10 लाख मतलब आरजेडी, ओनली फॉर आरजेडी। तेज कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? ममता देवी। दारू बंद कहाँ है? दारू जब जेबी में चोरा के जाता है बेचने के लिए अथी कर रहा है और कह रहा है जो महिला लोग बेच रहा है कटुना कटुना अपना घर में लेके। मोदी बोल रहा है कि हम बेच अथी बंद कर दिए दारू। कहाँ बंद है बताइए? हर गली पुलिस कहाँ है? हर गली में दारू मिलता है, हर गली में मिलता है। सबसे बेसी जॉब रेल में होती है, भारत में सबसे बेसी जॉब रेल में देती है सरकार। जो ले जाता है थाना पकड़ के तो कह रहा है चूहा पी गया। कहाँ चूहा पी गया? थाना में चूहा है और घर में चूहा नहीं है। सरकार सरकार थाना आता है दारू खोदता है। आप जो रैली में आए उसका मिल जाता है तो कहता है जब माल मिल गया तो कहा जो ठीक है नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे इसका, अगर नहीं मिला तो कहा जो पकड़ के ले चलो उसका भी जेल। तो आप भाषण में आए तो क्या लगा उनके? हमको अच्छा लगा है, बदलाव है तो बदलाव है। मोदी क्या किया? ट्रेन के कितना भाड़ा बढ़ा दिया, पहले कितना था ट्रेन का भाड़ा? सर जनता और जनता तो मर गया, कोरोना है कहाँ वो बताइए? कोरोना कहाँ है बताइए? लालू यादव, सुनिए, लालू यादव जब लालू यादव जब लालू यादव सुनिए सर तरीके से सुनिए, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो एक लाख लोग को नौकरी दिए। एक लालू यादव जब रेल मंत्री थे 1 लाख आदमी को नौकरी दी है। ये 10 साल से भारत में मोदी जी कितने बच्चे को रेल में नौकरी दिए हैं? 2018 के सर। क्या नाम है चाचा? लालू जीतेगा। अपहरण लूट कांड रेफ बंद हुआ है बताइए हमको? अफर रेफकांड पूछो रैली में आप क्या सुने, क्या उन्होंने कहा तेजस्वी जी ने? क्या कहे? कहे से तो हम सुने कि हाँ हमको वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे, बाल बच्चा को, तुम तो बूढ़ा हो गया, देंगे हमको देने के लिए तैयार है। वैसा समांग होना चाहिए। मोदी नीतीश से हमारा गया भाई तेजस्वी जिंदाबाद। हमारा नाम दिनेश राय हुआ। क्या आपको लगा इस रैली में आके? रैली में हमको सबसे बढ़िया तेजस्वी जी का भाषण लगा। रुकिए, हमको बोलना है। तेजस्वी जी का भाषण एक नंबर रहा। वो गरीबों का मान सम्मान देंगे, हम लोग का बेरोजगारी मिटाएंगे, युवा नेता जितना जो लड़का फड़का है सबको नौकरी देंगे, उनका लीलार चमक रहा है जो ऐसा करेंगे। जब गठबंधन जो जोरों पे है जी, तो बीजेपी से एक मतलब लाइन आ रहा है कि जो भी हो जाए गवर्नमेंट तो बीजेपी का ही बनेगा, क्या कहना है? क्या सरकार जी?
सरकार बीजेपी का और नीतीश का उखाड़ के हम लोग फेंक दिए, नहीं बनेगा नहीं बनेगा भाई। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलत फैमिली हो गया है कि उनका सरकार बनने जा रही है, बट आप लिख के ले लीजिए कि आरजेडी का सरकार इस बार जरूर बनेगी बिहार से, और आप लोग देखते रहिएगा हम लोग की जरूर कुछ ना कुछ भविष्य में कहीं ना कहीं नौकरी जरूर। भैया हम लोग संकल्प ले चुके हैं, भरोसे हैं। जो उनका मैनिफेस्टो में वायदे था आज भाषण में बोले हैं, क्या अंतर लगा, क्या समांतर? मुझे समांतर ये लगा कि जैसे कि हम लोग की वो ना, उन्होंने अपने बात समझा, हम लोग की बात समझे, और उस तरीके से हम लोग की जो ख्वाहिश है, हम लोग की जो मतलब इच्छा है, वो अपने इच्छा के समझ में हम लोग को वो वोट मतलब प्रदान करेंगे। कौन बनेगा जी इस बार हाजीपुर कैंडिडेट से? पूरा वोट बीजेपी, बीजेपी के एक भी वोट नहीं मिलने जा रही है हाजीपुर क्षेत्र से। तो मैं आरजेडी के साथ हूँ और दिल से हम लोग साथ हैं। मैं नहीं, हम क्या नाम है, क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। विपिन कुमार, हाँ करते हैं आप? हम लोग बीएससी पार्ट थ्री फिजिक्स नॉर्स में पढ़ाई करते हैं। क्या लगा आपको? और मैं प्रवासी मजदूर के साथ साथ मैं कोयम्बतूर जंक्शन बेस्ट कंपनी में था। जब लॉकडाउन लगाया गया तो जब हम लोग वहाँ से आने की सुविधा सोचे तो नीतीश कुमार बोलते हैं नहीं बिहार में जगह नहीं है, बिहार में एंट्री नहीं होगा। अरे सरकार वहाँ हम लोगों को वहाँ बिहार को बिहार के नाम पर बिहारिया कहता है क्या? हम लोग बिहार के रहकर शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अदर स्टेट बिहार को बिहारिया के नाम से बुलाता है, नाम से नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि ये बिहार सरकार है, उसको अपने आप में क्षमता नहीं है, उसका माइंड खराब हो गया है। क्यों बोलता है समुद्र के जगह पर फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेगी। आप सभी से बात करेंगे, थोड़ा सा जगह दे दें, सबको मौका मिलेगा भाई, सबसे बात करेंगे, सभी से बात करने के लिए थोड़ा सा जगह दे। इसलिए आज हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि इस बिहार में युवा सरकार होगा, एकदम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या नाम है? पंकज कुमार। क्या कर रहे हैं सरकार? तो युवा चाहिए, मैंने सरकार बहुत रह गया, उम्र भी बहुत हो गया, उस लोग बहुत कुछ कर लिया लेकिन एक्सपायर हो गया। सरकार का मौका देना चाहिए, नौजुबक है, नौजुबक क्या करता है उसका मैंने महत्व अति देखना चाहिए, समझ गए? मैंने उसको दे के देखना चाहिए। मैंने सरकार बोलते हैं, बोल रहा नीतीश को, ये तेज प्रताप बोला जो 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश कुमार बोला जो 19 लाख देंगे, उनमें कमी दिखा रहा है नीतीश कुमार, उल्टे कमी दिखा रहा है। तो कमी तो खुद नीतीश कुमार में है ना, इसीलिए नौजुबक है, हम लोग नौजुबक को मौका देंगे। मैंने नौजुबक रहेगा, नौजुबक के लायक अच्छा करेगा, मैंने सरकार बदलना भी चेंज करना भी अच्छा रहता है हम लोग के लिए। आपको क्या लगा कि जैसे महागठबंधन जो है 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, ठीक उसी तरह जो है बीजेपी 19 लाख करने के किया, दोनों में किस नज़र से देखते हैं? मैंने देखिए, मैंने बीजेपी बोला कि जो हम मैंने 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, मैंने कांग्रेस पार्टी तो कहाँ से देगा, तो बीजेपी 19 लाख नौकरी का वादा किया, ये कहाँ से देगा? दोनों में तो अथी होना चाहिए ना, कहाँ से देगा? मैंने अगला का सरकार है जो अगला का जीत, मैंने अपना मौका निकालने के लिए अगला का कमी, मैंने अगला का कमी निकाल रहा है, खुद का कमी निकाले ना, सरकार में यही बड़ा कमी है। इसीलिए हम लोग ना नौजुबक का मौका दूंगा और मौका देकर देखूंगा, सब सरकार को मौका दूंगा, सब सरकार का देखूंगा, हम लोग का यही, हम लोग नौजुबक का सबको मौका देंगे, सबको देखेंगे कौन सरकार को अच्छा है। भारत के लिए लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुआ है, हम लोग को बाहर में फंसे हुए थे, नीतीश कुमार कहते हैं जो हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो बिहार में कोई साधन नहीं है। अभी बहुत तरह की दिक्कत हुआ है हम लोग लॉकडाउन में, बहुत तरह के बहुत परेशानी। क्या नाम है भाई? संतोष कुमार है। कैसा लगा भाषण सुन? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? तेजस्वी भैया को, तेजस्वी यादव को, राघोपुर सा। बिहार में मुख्यमंत्री, बिहार में बहुत सारे दल हैं जो बहुत तरह के लोभन दे रहे हैं वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, इनमें क्या अच्छा है आपको लगा? इनमें ये जो बोलेंगे वो करके दिखलाएंगे। जब लालू यादव थे तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तो उस समय बहुत आदमी बहुत का नौकरी दिए थे रेलवे में। उस समय जब 8वां क्लास का पास हुआ था, उस समय में 8वां क्लास का रेलवे में नौकरी देने का काम किए थे राबड़ी देवी ने। जो विपक्ष है आरजेडी से, जो विपक्ष है वो कहते हैं कि नौवीं फेल जो है वो क्या बिहार के लिए कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? नौवीं फेल अगर रहते तो इंग्लिश में बात थोड़े थोड़े करते, उनको भाषण सुनने का काम करे। जितने जुगलीबाज हैं नेता लोग, उनको सामने आकर दोनों इंटरव्यूज करके देखे वो पास है कि नहीं है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान जी बताए कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा लगा।
क्या मतलब इरादा है इस बार आपका? इरादा इस बार लालटेन छाप पे है। लालटेन छाप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? इरादा ये है कि नौकरी मिलेगी, नौकरी देंगे, भरोसा दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आप पीछे से देख रहे हैं? आदित्य रंजन। चल सामने। क्या नाम है भाई? आदित्य रंजन। भाषण देखे आए? हाँ देखे आए। क्या लगा आप? वो पहली कैबिनेट में पहली कलम से वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और वो अपने बातों पर खरा उतरेंगे। ऐसा उम्मीद है आपका? ऐसा पक्का उम्मीद है। सब पब्लिक को उम्मीद है, उम्मीद है, ये भी उम्मीद है, पूरा जनता की उम्मीद है। पूरे बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या बोले? पूरे बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, पूरा महागठबंधन की सरकार का संकल्प होगा, वो जैसा कहेंगे उनके मैं साथ हूँ और रोजगार देने का भरोसा दिए हैं और रोजगार देकर जाएंगे राघोपुर का विकास और बिहार का विकास करके वो जाएंगे। नीतीश जी क्या बोलते हैं? नौमी फेल है, नौमी फेल है। क्यों नीतीश जी ऐसा बोल रहे हैं? 15 साल में क्या किए नीतीश जी? बोलते थे राज जंगल राज है, 1995 से राज्य लालू यादव जी सब मुख्यमंत्री बने 90 में, उस समय का अभी की तुलना देख लीजिए, अपराध बढ़ा हुआ है। कहता अपराध सुशासन की सरकार है, नहीं है सुशासन की सरकार। हम लोग इस बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, और राघोपुर से उनको विजय बनाते हर जगह से मुख्यमंत्री। पूरे बिहार की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? बिहार की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत का उपयोग करें और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनावे और विधानसभा में उनका परचम लहरावा। जो है हाजीपुर विधानसभा के विदुपुर प्रखंड में थे, यहीं पे जो है तेजस्वी जी अभी आए थे। अगर इस वीडियो को डेली मोशन या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।